नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 11 वर्सेस Moto E40 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन की डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 11 में 6.48 इंच जबकि Moto E40 में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Hot 11 में 3 इंच जबकि Moto E40 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 11 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 11 में 0.35 इंच जबकि Moto E40 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 11 में 201 ग्राम जबकि Moto E40 में 198 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Hot 11 में 20:5:9 जबकि Moto E40 में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 11 में 6.6 इंचेस जबकि Moto E40 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 11 में 1080x2408 और Moto E40 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 11 में 83.8% जबकि Moto E40 में 81.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 11 में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Moto E40 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 11 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। और Moto E40 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 11 में Mali G52 MC2 जबकि Moto E40 में Mali G52 MP2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 11 में MediaTek Helio G70 और Moto E40 में Unisoc T700 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 11 में अप टू 256GB जबकि Moto E40 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 11 में 5200mAh जबकि Moto E40 में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 11 में 4 कलर्स जबकि Moto E40 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 11 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिल जाता है, और बात करें Moto E40 की तो वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,499 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Hot 11 में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto E40 की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Moto E40 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है,
परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है, दूसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है, तीसरा Vivo Y20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।